हेलो भाई। हाँ हेलो भाई, आज हम टाटा पंच कैमो कंप्लीट एएमटी वेरिएंट और टाटा एल्ट्रोज एक्सजेड पेट्रोल वेरिएंट, इन दोनों कंपैरिजन करेंगे। एक्सीलरेशन की बात करें तो 0 to 100 हमारी टाटा लेती है 17.74 सेकेंड्स पंच, और एल्ट्रोज का मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 11.9 सेकेंड है और डीसीटी के लिए 12.1 सेकेंड। पंच में हमारा 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन है 4 वॉल के साथ, जो कि एसओएचसी टाइप का है, और एल्ट्रोज में हमारा सब कुछ सेम है, सिर्फ डीओएचसी टाइप का इंजन है यहाँ पे। इन दोनों में आपको अगर और जानना है तो आप थोड़ा गूगल करिए, आपको अंतर मिलेगा इनमें। ये एफिशिएंसी वगैरह पे अफेक्ट करता है एसओएचसी टाइप या डीओएचसी टाइप का इंजन। इंजन टाइप दोनों में ही 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन है। फ्यूल टाइप दोनों का ही पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 87 और शॉर मिलता है 6000 आरपीएम पे, और मैक्स टॉर्क दोनों में ही 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 3250 आरपीएम पे। माइलेज की बात करी जाए तो एआरएआई माइलेज है हमारा पंच का 18.8 और एल्ट्रोज का 19.3। ड्राइव टाइप दोनों ही फ्रंट व्हील टाइप है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो पंच में हमें एएमटी मिलता है 5 गियर के साथ में, जो कि मैनुअल ओवरराइड फीचर के साथ में आता है, और एल्ट्रोज में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 5 गियर्स के साथ में। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों का ही VS6 फेज 2 है, और दोनों में ही हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है। लेंथ की बात करी जाए तो एल्ट्रोज हमारी बड़ी है, विड्थ में भी एल्ट्रोज हमारी बड़ी है, हाइट में हमारी पंच थोड़ी ऊंची है। व्हील बेस की बात करी जाए तो पंच का 2445 mm है और एल्ट्रोज का 2501 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस टाटा का 187 mm है, पंच का 187 mm है और एल्ट्रोज का 165 mm है। कर्व वेट की बात करी जाए तो पंच का 1070 kg है, और एल्ट्रोज की बात करी जाए तो मैनुअल के लिए 1025 kg और डीसीटी के लिए 1040 kg। डोर कैपेसिटी की बात करी जाए तो दोनों ही 5 डोर हैं। सीटिंग कैपेसिटी दोनों की 5 है। नंबर ऑफ रोज दोनों में 2 हैं। बूट स्पेस की बात करी जाए तो पंच में हमारा 366 लीटर और एल्ट्रोज में 345 लीटर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की ही 37 लीटर है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करी जाए तो पंच में हमें इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैक पियर्सन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में फ्रंट में, और एल्ट्रोज में इंडिपेंडेंट मैक पियर्सन डुअल पाथ स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ में। रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में और शॉक एब्जॉर्बर के साथ में पंच में, और एल्ट्रोज में रियर में ट्विस्ट बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर के साथ में। फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों का ही डिस्क है, रियर ब्रेक टाइप दोनों का ही ड्रम है। स्टीयरिंग टाइप दोनों में ही हमें पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक टाइप मिलती है। व्हील्स की बात करी जाए तो पंच में हमें स्टील व्हील्स स्टील रिम्स मिलते हैं और एल्ट्रोज में हमें अलॉय। स्पेयर व्हील की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें स्टील व्हील मिलता है। टायर टाइप फ्रंट टायर के टाइप्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 185 mm विड्थ के टायर्स मिलते हैं। एस्पेक्ट रेशियो पंच में हमें 70 का मिलता है और एल्ट्रोज में हमें 60 का। पंच में हमें 15 इंच के टायर्स मिलते हैं जबकि एल्ट्रोज में 16 इंच के। रियर टायर्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 16 इंच के टायर्स मिलते हैं 185 mm विड्थ के साथ में। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे भी पंच का 70 है और एल्ट्रोज का 60 है। ओवर स्पीड वार्निंग की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में एक बीप मिलती है हमें 80 के ऊपर जाने पे, और कंटिन्यूस बीप्स मिलती है 120 के ऊपर जाने पे। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग हमें टाटा में पंच में मिलती है और एल्ट्रोज में नहीं मिलती है। पंच एंड रिपर किट भी हमें पंच में मिलती है, एल्ट्रोज में नहीं मिलती है। ग्लोबल एनकैप दोनों ही 5 स्टार हैं। एयरबैग की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 2 एयरबैग हैं। मिडिल रियर 3-पॉइंट सीट बेल्ट हमें दोनों में नहीं मिलता है, TPMS हमें दोनों में नहीं मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD हमें दोनों में मिल जाता है। ESP हमें पंच में नहीं मिलता है, एल्ट्रोज में मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल हमें दोनों में नहीं मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हमें दोनों में मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों में मिलते हैं। अम्ब्रेला स्टोरेज की बात करी जाए डोर में तो वो हमें पंच में नहीं मिलता है, एल्ट्रोज में मिल जाता है। एयर कंडीशनर हमें पंच में मैनुअल मिलता है और एल्ट्रोज में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिलता है। फ्रंट एसी की बात करी जाए तो
तो दोनों में ही हमें सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल मिलता है, रेयर एसी हमें पंच में नहीं मिलता है और एल्ट्रोज में मिल जाता है आर्म रेस्ट के पीछे, फ्रंट आर्म रेस्ट के पीछे। थर्ड रो एसी की बात करी जाए तो दोनों में ही थर्ड रो हमारी है ही नहीं, हीटर हमें दोनों में मिलता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स की बात करी जाए तो दोनों ही हमें आडियो में को ड्राइवर के लिए मिल जाते हैं। कैबिन बूट एक्सेस दोनों में ही है, एंटी ग्लेयर मिरर्स दोनों में ही है। पार्किंग असिस्ट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें पार्किंग असिस्ट मिलता है रिवर्स कैमरा में। पार्किंग सेंसर दोनों में ही रियर में, क्रूज कंट्रोल दोनों में है, हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर दोनों में है, कीलेस स्टार्ट दोनों में है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों में ही टिल्ट टाइप मिलता है, पावर आउटलेट्स हमें दोनों गाड़ियों में दो मिलते हैं 12 वोल्ट के। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें 8-way मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती हैं। फ्रंट पैसेंजर सीट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 6-way मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स मिलती हैं। रियर रो एडजस्टमेंट हमने बात करी जाए तो पंच में नहीं है ये फीचर और एल्टोज में हमें 2-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है, ये थर्ड रो दोनों में नहीं है। सीट अपहोल्स्ट्री दोनों की फैब्रिक है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दोनों में नहीं है, ड्राइवर आर्म रेस्ट हमें पंच में नहीं मिलता है एल्टोज में मिलता है। रियर पैसेंजर सीट दोनों ही बेंच टाइप है। इंटीरियर्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें डुअल टोन मिलता है, पंच में ब्लैक और मिलिट्री ग्रीन का कॉम्बिनेशन और अल्ट्रोज में ब्लैक और ग्रे। रियर आर्म रेस्ट की बात करी जाए तो पंच में नहीं मिलता है अल्ट्रोज में मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट दोनों में ही फुल मिल जाती है, स्प्लिट रियर सीट दोनों में नहीं मिलती है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स पंच में नहीं मिलते हैं अल्ट्रोज में मिलते हैं, हेडरेस्ट फ्रंट और रियर में दोनों में। कप होल्डर्स दोनों में ही फ्रंट में मिलते हैं, ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज क्लूल ग्लव बॉक्स और सन ग्लास होल्डर पंच में नहीं मिलता है, ये तीनों चीज़ें हमें एल्टोज में मिल जाती है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स ORVMs जिसको बोलते हैं वो बॉडी कलर्ड मिलते हैं हमें पंच में और क्रोम फिनिश मिलते हैं एल्टोज में। पावर विंडोज दोनों में ही फ्रंट और रियर में मिल जाती हैं, वन टच डाउन दोनों में ही ड्राइवर के पास है, वन टच अप दोनों में नहीं है। एडजस्टेबल ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हमें मिलता है पंच में और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड डिटेक्टेबल मिलता है हमें एल्ट्रोज में। टर्न इंडिकेटर्स हमें वो ORVM में पंच में मिलते हैं, एल्ट्रोज में नहीं मिलते हैं। रियर डिफॉगर और रियर वाइपर पंच में नहीं मिलता है, एल्ट्रोज में मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल दोनों में ही बॉडी कलर्ड मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हमें पंच में नहीं मिलते हैं एल्ट्रोज में मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स पंच में ब्लैक कलर के मिलते हैं और एल्ट्रोज में सिल्वर फिनिश के साथ में आते हैं। डोर पॉकेट्स दोनों में ही फ्रंट और रियर में मिलते हैं। बूट लिड ओपनर हमें इलेक्ट्रिक टेलीगेट रिलीज दोनों गाड़ियों में ऑप्शन मिल जाता है। रूफ माउंटेड एंटीना हमें पंच में मिलता है, एल्ट्रोज में नहीं मिलता है। बॉडी कलर बम्पर्स दोनों में मिलते हैं। बॉडी किट की बात करी जाए तो ब्लैक ग्रे कलर की क्लैडिंग मिलती है हमें पंच में और एल्ट्रोज में नहीं मिलती है। हेडलाइट्स हमें दोनों में ही हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हमें पंच में नहीं मिलते हैं और एल्ट्रोज में मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलाइट्स दोनों में मिलते हैं। कॉर्नरिंग हेडलाइट्स हमें दोनों में ही मिल जाती है जो कि बहुत अच्छा फीचर है। टेल लाइट्स हमें LED टाइप मिलती है पंच में और हेलोजन टाइप मिलती है एल्ट्रोज में। डे टाइम रनिंग लाइट्स हमें नहीं मिलती हैं पंच में और एल्ट्रोज में LED टाइप मिलती है। फॉग लाइट्स दोनों में ही हेलोजन टाइप मिलती है। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग हमें नहीं मिलती है पंच में पर फुटवेल लैंप्स मिलते हैं हमें एल्ट्रोज में। कैमिन लैंप्स दोनों में ही फ्रंट में मिलते हैं। लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स की बात करी जाए तो ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए है पंच में जो कि एल्ट्रोज में नहीं है। रियर रीडिंग लैंप दोनों में नहीं है। ग्लव बॉक्स लैंप दोनों में है और हेडलाइट हाइट एडजस्टर भी दोनों में है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों में है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में ही एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन है। ट्रिप मीटर की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक टू टच दिखाता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दोनों में दिखाता है। एवरेज स्पीड डिस्टेंस टू MT दोनों में है। क्लॉक दोनों में ही डिजिटल है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग दोनों में ही है। डोर अजार वार्निंग दोनों में है। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस पंच में नहीं है एल्ट्रोज में है। गियर इंडिकेटर पंच में है एल्ट्रोज में नहीं है। शिफ्ट इंडिकेटर एल्ट्रोज में भी नहीं है और पंच में भी नहीं है। टैकोमीटर दोनों में ही एनालॉग मिलता है। स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों में मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है 7 इंच का और म्यूजिक सिस्टम दोनों में ही मिलता है। स्पीकर दोनों ऑडियो में 6 मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों में मिलते हैं। वॉइस कमांड दोनों में मिलता है। GPS की बात करी जाए तो पंच में नहीं है एल्ट्रोज में है।
ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी की बात करी जाए तो फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग का हमें फीचर यहाँ पे दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ऑक्स और एफएम रेडियो हमें दोनों में मिलता है, यूएसबी कंपैटिबिलिटी भी दोनों में ही है, वायरलेस चार्जर हमें दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता है। वारंटी की बात करें तो दोनों में ही हमें 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। कलर ऑप्शंस की बात करी जाए तो ये आप देख सकते हैं। थैंक यू। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और आप एग्जैक्ट साइट पे देख सकते हैं, क्योंकि टाइम बाय टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। थैंक यू।